दोस्तों, यूं तो खोजकर्ताओं ने दुनिया के बहुत से अद्भुत रहस्यों को पता लगा लिया है, लेकिन समुद्र एकमात्र ऐसा स्थान बचा हुआ है जो आज भी कई तरह के रहस्यों से घिरा पड़ा है। और आज भी समुद्र में रहने वाले जीवों के बारे में किसी को भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। इसलिए आज हम आपको ऐसे ही जीवों के बारे में बताने वाले हैं जो समुद्र में पाए गए, लेकिन इन जीवों की खास बात यह है कि इन जीवों को पहले कभी नहीं देखा गया और इनका काफी बड़ा आकार और काफी अलग होने की वजह से ये बाकी सभी जीवों से काफी ज्यादा अलग लगते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में जो पहले समुद्र में नजर नहीं आए, लेकिन अचानक से उन्होंने समुद्र के बाहर आकर सभी को हैरान कर दिया। नंबर एक, दोस्तों, एक विशालकाय जीव फिलीपींस के तट पर भी पाया गया। इस जीव की खास बात ये थी कि ये जीव दिखने में सफेद रंग का था और साथ ही इसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े सफेद कलर के बाल मौजूद थे। और इतना बड़ा विशाल जीव किसी ने पहले नहीं देखा था, जिसकी वजह से इसे देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग आने लगे। नंबर दो, दोस्तों, खोजकर्ताओं ने डायनासोर की बहुत सी प्रजातियां खोज निकाली हैं, लेकिन इस जीव को देखने के बाद ये सवाल उठता है, क्या डायनासोर पानी में भी रहा करते थे? जी हाँ दोस्तों, इस जीव का सामने का हिस्सा एक बड़े डायनासोर की तरह दिखाई देता है, तो वहीं इस मछली का पीछे का हिस्सा किसी विशाल मछली की तरह नजर आता है। लेकिन कहा यह जाता है कि ये विशाल जीव समुद्र से बाहर निकलकर तट पर आया होगा, तभी इसकी मौत हो गई होगी। नंबर तीन, दोस्तों, ये विशालकाय व्हेल इंग्लैंड के बीच पर मरी हुई पाई गई। ये मछली करीब 50 फीट लंबी थी और इसका वजन इतना ज्यादा था कि इसको उठा पाना भी काफी मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद इस मछली के टुकड़े किए गए और उसके बाद उन टुकड़ों को दफना दिया गया। नंबर चार, दोस्तों, बात करते हैं ऐसे जीव की जो समुद्र के तट पर मरा हुआ पाया गया। लेकिन इस जीव की खास बात ये थी कि ये जीव दिखने में एक घोड़े के आकार का दिखाई देता है, और जब जांच पड़ताल करने के बाद भी इस रहस्यमय जीव के बारे में कुछ पता नहीं चला, तो उसका नाम मिस्ट्री मॉन्स्टर रख दिया गया। नंबर पांच, दोस्तों, ये घटना 1924 में साउथ अफ्रीका में घटित हुई, जब यहाँ के समुद्र तट पर एक विशालकाय जीव को देखा गया। इस जीव की खास बात ये थी कि इसका मुंह हाथी की तरह दिखाई देता था और साथ ही इसके मुंह पर एक सूंड भी लगी हुई थी, इसलिए इसके पीछे का हिस्सा डॉल्फिन की तरह दिखाई देता था। और इस तरह का जीव किसी ने पहले कभी नहीं देखा, जिसके बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या आज भी इस तरह के विशाल और अलग दिखने वाले जीव समुद्र में मौजूद हैं? अगर है तो ये समुद्र की सतह पर क्यों नहीं आते? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आज भी समुद्र में इस तरह के जीव पाए जाते हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही हनी बंग और निकेत सिंह हमारे दो ऐसे व्यूअर हैं जो हमें प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाए, तो हमें कमेंट करना ना भूलें। साथ ही ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।